नमस्कार सर, आपको अपना मंच न्यूज में स्वागत है और आप कुछ मीठी मीठी बातें, बहुत दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई है जी, जो हमारी मीठी मीठी बातें कुछ हो जानी चाहिए जी, काफी पहले से बिल्कुल पाठक जी, तकरीबन हमारी मुलाकात आपसे 14-15 साल के बाद मुलाकात हुई है। हाँ, 14-15 साल के बाद हुई सर। अब बहुत खुशी हो रही है इतने वर्षों बाद हम लोगों को मुलाकात हुई, कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा लगता है जब एक दो दोस्त जो है कि इतने सालों के बाद और 14-15 सालों के बाद अगर मिलते हैं, मुलाकात होती है तो कितनी खुशी होती है सर। बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मुलाकात करके कि आप इतनी दूर दिल्ली से आए और मुझसे मिलने के लिए स्पेशली आज आपने टाइम निकाला और मेरे पास है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद सर जी, आपने जो मेरे को इंटरव्यू देने का टाइम दिया है, वरना इतने अच्छा कलाकार किसी को टाइम नहीं देते हैं, वो काफी चक्कर कटवाते, लेकिन मेरे को बहुत खुशी होता है कि आपने एक ही बार टाइम दे दिया। और सर अपने बारे में ना कुछ बताइए हमारे दर्शकों को जी। हाँ बोलिए सर, कुछ बोले सर अपने बारे में, मीठी मीठी बातें कुछ वैसे जी। हाँ बोलिए बोलिए जी। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि हमारी बातों को आप लोग हमारे दर्शकों तक पहुँचाते हैं। और ऐसी बात नहीं है, अगर मीडिया कर्मियों के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, समय नहीं रहेगा तो सर हमारी आप लोग पब्लिसिटी करते हैं, हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं आप लोग, तो सर आप लोगों के लिए टाइम तो सबसे पहले, और बाकी दर्शकों के लिए तो भाई दर्शक हमारे भगवान है, फिर मैं दर्शकों के एक बार प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा कि मैं पुन्नू पांडे, मैं अभिनेता हूँ, मैं अभिनय करता हूँ, मुंबई में रहता हूँ और मैं बॉलीवुड में, टेलीविजन में, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ जी। तकरीबन अभी तक मैंने 50 से ऊपर मैंने सीरियल किए हैं, जिसमें CID, साथ निभाना साथिया, वीरा, शपथ, बातें कुछ अनकहीं सी, राधे कृष्णा और बिटिया रानी, यहाँ तक कि क्राइम पेट्रोल, ऐसे तकरीबन 50 सीरियल हैं। और अभी सीरियल इसमें मेरा एक DD किसान पे चल रहा है, जो भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट का है, किसानों के ऊपर है, किसान बिल की सारी जानकारी है, किसानों के लिए जो भी योजनाएं सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने जो भी घोषणा की है तो सब उसकी जानकारी है। नई सोच 9:30 सोमवार से शुक्रवार सर DD किसान पे आता है। और तकरीबन 30 भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुका हूँ मैं, छोटा बड़ा करेक्टर जो भी है, तकरीबन 30 फिल्में हो गई हैं भोजपुरी की। सर हिंदी की भी सर मैंने 4-5 फिल्में की हैं, जिसमें एक मेरी फिल्म अभी आने वाली है, बहुत बेसब्री से है मुझे, बहुत खुशी की बात है सर जी, बहुत बेसब्री से मुझे इंतजार है। हाँ। उस फिल्म का जो यशराज बैनर की फिल्म है शमशेरा, जिसमें रणबीर कपूर मेन लीड में है, संजय दत्त जी इसमें विलन है। और बस मैं आशीर्वाद की कामना है शमशेरा के लिए आप लोगों से, और फिल्म बहुत रिलीज होने वाली है। और कोरोना की वजह से सर, कोरोना काल की वजह से अभी रुका हुआ है मामला सारा, और बस चल रहा है अभी सफर। चलिए सर, हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे कि आपका जो सफर है आगे चलता रहे, रफ्तार जो है तेज बढ़ता रहे, और जो फिल्म ये शमशेरा रिलीज होने वाली है बहुत सुपर डुपर हिट जाए। हम ऊपर माता रानी से और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी फिल्म जो सुपर हिट जाए जी जी। अच्छा सर, एक बताइए कि आपकी जो पहली फिल्म जी, आपकी पहली फिल्म कौन सी थी, हिंदी थी कि भोजपुरी? देखिए हमारा कहीं से दिमाग खुल जाता है कि ऊपर वाले, आप बताए कि आपकी पहली फिल्म जो थी जी, आप इंडस्ट्री में जब आए तो फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? जी सर, वैसे तो इंडस्ट्री में सर मैं जब मैं पढ़ता था, मैं जूनियर हाई स्कूल में जब पढ़ता था तब से ही मैं इंडस्ट्री में हूँ। तकरीबन 1992-93 से ही मैं मुंबई आया,
और जब भी से मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता हूँ, और बीच में सर गैप हो गया था 6-7 साल के लिए, उस समय बम विस्फोट हुआ था आपका 93 का, जो दाऊद वाला बम कांड था, उस बम कांड में सारा तितर बितर उसमें भी हो गया था। तो उस समय मुझे जाना पड़ा था, मैं दिल्ली चला गया था, और अब की बार दोबारा आया तो सर कोरोना ने बिल्कुल कोरोना महामारी ने बहुत डवाडोल कर दिया, लेकिन सर टिके हुए हैं, मुंबई में लगे हुए हैं, अपना संघर्ष जारी है, अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए। और सर, और बतौर राइटिंग मैंने स्टार्ट किया था, बतौर राइटर मैंने बहुत दिन तक मैंने स्ट्रगल किया, मैं बड़े चक्कर काटे टी सी डी कंपनी से लेकर के, और जितने भी कंपनियां हैं उस समय एल्बम ज्यादा बनते थे। तो सर, तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग सर एक एल्बम, मैंने एक भक्ति एल्बम किया था, भक्षीबन धाम, एक औघड़ बाबा थे कि श्री श्री 108 श्री औघड़ ऋषि बाबा बालक दास जी महाराज, जो गोपालगंज जिले में घोरे थाना में स्थित है भक्षीबन, मैं वही एक एल्बम बनाया और वही एक भजन का भक्ति एल्बम बनाया, और पहली बार मैंने अभिनय किया, तो मुझे लगा कि सर मैं अभिनय कर सकता हूँ। उसके बाद तो वो मेरे ख्याल काफी हिट भी हुई थी। हाँ, काफी एल्बम चला था, जो वो एल्बम जो था आपका ये, तो मैंने सुना था कि काफी आपका एल्बम जो है ना, जी जी, एल्बम काफी हिट गया था, काफी चला था, और जो मैंने अभिनय किया था जिस गाने पे, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया था, लोगों ने बड़ा सराहा था। उसके बाद सर मैंने एक फिल्म किया था, मैंने राजवीर जिसमें मेन विलन किया था, एक क्षेत्रीय फिल्म थी, भोजपुरी फिल्म थी राजवीर, जिसमें मैंने पहली बार सर मेन विलन में मैंने किया था, और पहली बार एक ऐसा करेक्टर किया था कि जो एक ऐसे आदमी का था जो उसका पूरा आधा अंग सर पैरालिसिस था, उसका एक हाथ खराब था, एक टांग खराब थी, और गर्दन टेढ़ी थी, मैं ऐसे आदमी का करेक्टर किया था, और लोगों ने बहुत सराहा था, तब से सर मैं एक्टिंग करने लग गया, और आज भी मैं कर रहा हूँ सर, तकरीबन सेंचुरी हो गई है मेरी आपके। तो सर जी हाँ, वो सेंचुरी हो गई है, और काफी फिल्मों में, काफी सीरियल में। सर, ये सीरियल में जाने कैसे चांस लगा आपका? सीरियल में सर ये एक के बहुत बड़ी घटना है, बतौर राइटर ही मैं तो सर जी पूछ लिया आपने सीरियल में जाने का, जो फिल्म इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री के जी लोग सीरियल छोड़ के फिल्मों में जाते हैं जी, आप फिल्म के साथ में सीरियल में जाके लोगों को मनोरंजन करते हैं, लोग हर चीज, तो मैं वही पूछ रहा था कि आप सीरियल में, फर्स्ट सीरियल में कैसे घुसे? सर मैं अभिनय तो पहले से ही करता था, लेकिन लेकिन मैं एक राइटर बनना चाहता था, मैं हरबंश राय बच्चन साहब से और हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर साहब से मैं बहुत प्रभावित था, और मैं एक राइटर बनना चाहता था कि मैं एक राइटर करूं, समाज के लिए कुछ अच्छा किया, मैंने राइटिंग किया भी, और बतौर राइटर ही मुंबई में मेरी एंट्री हुई थी, लेकिन एक ऐसी घटना ऊपर वाले को जो मंजूर था, ट्रेन में मेरे साथ घटना हो गया, जहर खुरानी हो गई, और सब कुछ खो गया था, सब कुछ लूट गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मुंबई में मैं उतरा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरे बदन पे जो कपड़ा था, एक कपड़ा था, और तीन लोगों के साथ एक घटना हुई थी जिसमें दो लोग मर गए थे, मुंबई पनवेल में तीन लाशें उतारी गई थी, और जिसमें से एक आदमी को होश आया, वो मैं था, पुन्नू पांडे, और वही दिन मैंने प्रण किया कि चाहे कुछ भी, मैं तो मर ही गया था, और मैं अपने मंदिर को हासिल करके ही छोड़ूंगा, अब पीछे नहीं मुड़ना, क्योंकि फैमिली बड़ी थी, शादी हो गई थी, 5-5 बच्चे थे, मेरा डिसीजन बहुत ही कठोर था, लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया, मैंने बहुत रिस्की था, मैंने रिस्क लिया, और मैं सोचा कि मुंबई में मैं अब क्या करूं, तो मैं अभिनय करता ही था सर, मैंने बोला कि ठीक है, अब राइटिंग तो सब कुछ मेरा स्टोरी ओवर जितना था सब खो चुका था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने प्रण किया कि सर राइटिंग के लिए स्ट्रगल शायद ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं है, और मैं सोशल ज्यादा करता था, चूंकि मुंबई की सारी मार्केट कमर्शियल है, तो सर मैंने प्रण किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं अभिनय फिर से शुरू करूंगा, और अभिनय ही करूंगा मैं, और मैंने सबसे पहले फायरवर्क्स प्रोडक्शन में अंधेरी दिशा बिल्डिंग में गया,
सीआईडी के लिए ऑडिशन देने के लिए, और मैंने पहली बार में ऑडिशन दिया और पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। तीसरे दिन मुझे फोन आ गया, मैंने जब सीआईडी किया तो मेरा हौसला बिल्कुल इतना बुलंद हुआ कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल था सीआईडी, दुनिया का सबसे बड़ा मेगा सीरियल, गिनीज बुक में उसका नाम था। और उसी सीरियल से मैंने अपना दोबारा जो पारी है अपनी मैंने अभिनय की शुरू की, और सीआईडी से लेकर अभी तक सब चल रहा। बहुत बढ़िया सर। अभी तक इन 5-6 सालों में तकरीबन 50-55 सीरियल कर चुका हूँ और कम से कम 70 से फिल्में कर चुका हूँ सर। जो भी है और जो भी मेरी प्राथमिकता रही कि सर, जो भी मेरे सामने आया, जो भी काम आया, मैंने कभी छोटा बड़ा नहीं, चाहे वन डे टू डे, एक दिन का हो, चाहे एक सीन हो, चाहे डायलॉग हो या नहीं हो, बस मैंने तुरंत कर लिया कि मुझे काम करना है, और जब इसे सर मैं आज अभी तक काम कर रहा हूँ। सर बहुत बढ़िया सर। ये आपकी हिम्मत का ताक देना पड़ेगा कि इतने तकलीफ झेलते हुए भी आपने मंजिल से आगे बढ़ने का कदम पीछे नहीं हटाया। जी बिल्कुल सही बात है, और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी ये देन है एक पॉजिटिव शक्ति। हमेशा आदमी सकारात्मक सोच अगर जिसकी होगी वो मंजिल को छीन लेता है सर, उसे मिलना ही मिलना है, जो प्रण कर ले, जुनून, हौसला, बस वो सब था मेरे में, और मेरे में मेरा जुनून जगा सर, और अभी आज तक जगा हुआ है, चल रहा है। ना बहुत बढ़िया सर। अच्छा मैंने सुना सर राइटर के साथ में जी, जो राइटर तो थे या पहले से ही जी, एक्टर भी थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, तो सर एक चीज मैंने खास बात आपकी एक चीज मैंने देखा है, किस चैनल मैंने देखा था, आप बहुत अच्छा कभी भी है सर, इस बात को छिपाना नहीं, क्योंकि मैंने आपका कविता सुना है, जो आपने जो कविता पढ़ा था, मेरे को क्या सर जी जो सुनता है उसके रंग रंग में ऐसे एक नया एनर्जी आ जाती है कि मैं क्या बताऊं। तो सर आप ये कभी कब बने? क्योंकि सर मैं राइटर तो था ही, और राइटिंग सर गॉड गिफ्टेड है, मैं गॉड गिफ्टेड था, एक टाइम था और आज भी है कि जब तक मैं 2-4 लाइन में कुछ लिख नहीं लेता हूँ तब तक चैन नहीं मिलता है मुझे। तो वो आदत थी लिखने की, धीरे धीरे मैं हरबंस राय बच्चन साहब की एक कविता से मैं इतना प्रभावित हुआ कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर इस कविता ने मुझे कवि बना दिया, चूंकि मैं राइटिंग करता ही था, और मैंने भी सोचा कि नहीं मैं भी कविताएं ये मैंने छोड़ा नहीं सर, और जिंदगी भर रहेगा शायद ये माता रानी की देन है, और मैं आज भी कविताएं लिखता हूँ, सामाजिक कविताएं, सोशल कविताएं लिखता हूँ मैं, और वो शौक मेरा लिखने का सर आज भी है। तो सर ये बहुत खुशी की बात होगी कि केवल